प्रदेश मंत्रिमंडल ने इस वित्त वर्ष के लिए अटल स्कूल वर्दी योजना के तहत सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी के विद्यार्थियों के लिए 2 ट्रैक सूट निःशुल्क प्रदान करने का निर्णय लिया है। आज सुबह शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इससे प्रदेश के 50,000 से अधिक बच्चे लाभान्वित होंगे। बैठक में प्रदेश के सभी राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के MBBS प्रशिक्षकों का स्टाइपेंड 17,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने स्टाफ नर्स और वार्ड सिस्टर के पदनाम को नर्सिंग अधिकारी व वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी करने का निर्णय भी लिया। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने, कई नए पद सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंडी जिले की ठाकुरद्वारा पंचायत में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और विभिन्न श्रेणियों के 3 पद सृजित करने को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा बल्ह तहसील के हाटगढ़ में ITI संस्थान और बागाच नोगी में राजकीय महाविद्यालय खोलने का भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने शिमला जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारकंडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत कर आवश्यक पद सृजित करने को भी मंजूरी दी। मरीजों की सुविधा के लिए नाहन मेडिकल कॉलेज और चंबा मेडिकल कॉलेज के ARTE केंद्र में विभिन्न श्रेणियों के 14 पदों को भरने का निर्णय भी लिया गया। इसके अलावा भी बैठक में जनहित से जुड़े अनेक निर्णय लिए गए। वर्तमान राज्य मंत्रिमंडल की ये अंतिम बैठक थी।